Hey guys, Meenakshi here. Welcome back to my channel. आज हम जिस स्किन केयर कंसर्न को डिस्कस कर रहे हैं वो यूनिवर्सली सभी लड़के और लड़कियों का स्किन केयर इशू है. सिर्फ लड़कियों का नहीं, लड़कों का भी. एंड दैट इज़ द इशू ऑफ हैविंग अ टेक्सचराइज स्किन. टेक्सचर से यहाँ पे ये मतलब है कि जब आप अपनी स्किन को टच करते हैं वो आपको बिल्कुल स्मूथ और सॉफ्ट फील नहीं होती, वो आपको इवन फील नहीं होती. जब आप टच करते हैं आपको एक उस पर खुरदरापन सा फील होता है, आपको लगता है थोड़ा टेक्सचर है, थोड़ा सा एक रफनेस है, बम्पीनेस है. अब इसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं कई लोगों को, वाइट हेड्स होते हैं कई लोगों को, मीलिया होता है, क्लोज्ड कोमेडोन्स का प्रॉब्लम होता है. उस वजह से इवन दो दूर से दिखने पर आपको प्रोमिनेंट एक्ने पिंपल्स नहीं भी हो, लेकिन छूते समय आपको अपनी स्किन अच्छी नहीं लगती, बहुत हार्श और खुरदरी लगती है. नाउ कोई भी अगर ब्रांड या प्रोडक्ट या रूटीन या इन्फ्लुएंसर कोई भी अगर आपको ये फॉल्स क्लेम सेल कर रहा है कि कुछ ना कुछ कर लेने से आप एक ग्लास स्किन अचीव कर सकते हैं विच इज कंप्लीटली ट्रांसलूसेंट, यानी जिसपे आपको कोई पोर्स तक दिखाई नहीं पड़ेंगे, एकदम फिल्टर वाली जो स्किन होती है वैसी होने लगेगी, तो दैट्स अ कंप्लीट फॉल्स क्लेम. डू नॉट फॉल फॉर ट्रैप्स लाइक दीज, ओके. बट हाँ, ये जरूर है कि जो हमारे पोर्स होते हैं जब उनमें काफी लंबे टाइम के लिए क्लॉगिंग हो जाती है, जिसको आप क्लियर नहीं करते, अपने पोर्स को टाइम टू टाइम रिफाइन नहीं करते हैं, तो वहां पे ये जो डिपॉजिट्स इकट्ठे हो जाते हैं ना, चाहे वो पॉल्यूटेंट्स का हो या एनवायरमेंट एग्रेसर्स का हो या फिर सन डैमेज की वजह से हो, जो टाइम टू टाइम वहां पे इकट्ठा होता रहता है ना, उससे वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है और हवा के कॉन्टैक्ट में आने से वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिससे वो डार्क लगने लगता है, वो एरिया की स्किन भी बहुत ज्यादा थिक हो जाती है, रफ हो जाती है, हार्ड हो जाती है, और फिर उस टेक्सचर को नॉर्मल फेस वॉश से निकाल पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है. तो इसीलिए टाइम टू टाइम हमें कुछ इफेक्टिव चाहिए जिससे वो पोर्स कभी क्लॉग नहीं हो और वो फ्रीली ब्रीद कर सकें. अगर आप वो अचीव कर पाएंगे और अपनी स्किन को टाइमली आप एक एम्पल हाइड्रेशन देते रहेंगे, तो डेफिनेटली एक स्मूथ डीटेक्चराइज स्किन अचीव कर पाना इम्पॉसिबल भी नहीं है. इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो 5 यूजफुल टिप्स जिन्होंने पर्सनली मुझे मेरी स्किन को ट्रांसफॉर्म करने में बहुत हेल्प किया है, मेरी स्किन से टेक्सचर रिमूव करने में जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है. आई डू होप दैट दीज सजेशंस डू हेल्प यू आउट. सो विद दैट एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स डाइव राइट इन. टिप नंबर 1 इज केमिकल एक्सफोलिएशन. ज्यादा नहीं करना है, लेकिन हफ्ते में एटलीस्ट एक बार, एक दिन आपने ये हैबिट रखनी है कि 10 मिनट के लिए आपको कोई भी जेंटल सा AHA BHA पील अपनी फेस पे लगाना है, 10 मिनट रख के ठंडे पानी से वॉश ऑफ कर देना है. इससे काफी हेल्प मिलती है, ये मैंने पर्सनली देखा है. आपको हो सकता है इनिशियल एक दो बार में इंस्टेंट रिजल्ट्स ना दिखाई दे, लेकिन जब आप एक हैबिट बना लेंगे 3-4 हफ्ते लगातार इसको करने की, तो आप डेफिनेटली एक फर्क देखेंगे. ओवरडू नहीं करना है, बिकॉज ज्यादा करेंगे तो उससे ड्राइनेस होती है, इसलिए हफ्ते में एक बार करना है. नाउ अगर तो आपकी स्किन है ड्राई कॉम्बिनेशन या फिर नॉर्मल, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आपको AHA पील्स यूज करनी चाहिए, स्पेसिफिकली स्पीकिंग ऑफ लैक्टिक एसिड. एक प्रोडक्ट जो ऑन टॉप ऑफ माय हेड मैं आपको रेकमेंड कर सकती हूँ, जो मेरा पर्सनल फेवरेट भी है, इज द डॉक्टर शेड्स लिकराइज एंड लैक्टिक एसिड पील. ये बहुत इफेक्टिव है, यू कैन गिव इट अ ट्राई. दूसरा, अगर आपकी स्किन ऑयली एक्ने प्रोन है तो फिर आप BHA पील्स यूज कर सकते हैं. मेनली आई एम टॉकिंग अबाउट सैलिसिलिक एसिड हियर. तो सैलिसिलिक एसिड के मास्क भी आते हैं, एक्सफोलिएटिंग टोनर्स आते हैं, पील्स आते हैं. उसके अलावा आप चाहें तो 2% की कॉन्सेंट्रेशन तक का एक सैलिसिलिक एसिड सेरम भी लगा सकते हैं हफ्ते में 2-3 बार. दैट विल आल्सो हेल्प यू अ लॉट. तीसरा, अगर आपकी स्किन टाइप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा फ्रिजाइल है, तो आपको PHAs यानी पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड वाले पील्स यूज करने चाहिए. टिप नंबर 2, हाइड्रेशन इज की. आपको ऐसे सेरम्स और मॉइस्चराइजर्स अपने स्किन केयर में इंक्लूड करने हैं जिसमें बहुत सारे ह्यूमेक्टेंट्स हों, बहुत सारे इमोलियंस हों, जैसे कि यूरिया हो सकता है, ग्लिसरीन हो सकता है, हाइलुरोनिक एसिड हो सकता है, या फिर स्नेल म्यूसिन हो सकता है. अब जैसे ही हम स्नेल म्यूसिन का नाम सुनते हैं, जो पहला नाम हमारे दिमाग में आता है इज द कोजारेक्स एडवांस स्नेल म्यूसिन पावर एसेंस, विच इज़ अ गुड प्रोडक्ट. बट आई ऑल्सो नो दैट मेनी पीपल फाइंड इट एक्सपेंसिव ऑल्सो. कई लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाते एंड स्टिल कई लोगों को वो सूट भी नहीं करता. ऐसे में उसी का एक इंडियन अफोर्डेबल अल्टरनेटिव अगर आप ढूंढ रहे हैं जो फॉर्मूला में उतना ही अच्छा हो या उससे भी ज्यादा अच्छा हो, तो आप यूज कर सकते हैं डर्माकोका स्नेल पेप्टाइड 96 हाइड्रेटिंग सीरम. दिस इज अ रिलेटिवली न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट. आई थिंक 2-3 महीने पहले उन्होंने ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया था. एंड इनिशियली आई वॉज लाइक आई डोंट नो हाउ इज इट वगैरह वगैरह. दे सेंट इट टू मी सम टाइम बैक बट आई डिड नॉट गेट अ चांस टू ट्राई इट आउट. बट जब मैंने प्रोडक्ट्स को कंपेयर किया, एनालाइज किया, क्योंकि मेरे पास दोनों ही है, तो मैंने पाया दिस वन कॉस्ट हाफ एज मच जितना कि वो प्राइसी है, उसी उतना ही अफोर्डेबल है. एंड ऑल्सो फॉर्मूला वाइज आई फाउंड दिस टू बी मोर इफेक्टिव देन दैट वन.
नाउ इस प्रोडक्ट में 96% प्योर स्नेल सिक्रीशन फिल्ट्रेट है। जो स्नेल सिक्रीशन फिल्ट्रेट होता है वो कैसे आपको हेल्प करता है कि उसमें बहुत सारे ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, तो वो आपकी स्किन में एकदम डीपली जाके उसे नरिश भी करता है, जिससे जो टिश्यूज का रिन्यूअल है वो फास्टर होता है और स्किन के अंदर जो इलास्टिन और कोलेजन का सिंथेसिस है वो भी इम्प्रूव होता है। तो उससे हमारी जो स्किन है एक्सटर्नली बहुत सॉफ्ट हो जाती है, प्लम्प हो जाती है, टाइट और फर्म दिखने लगती है। उसके साथ साथ अगर आपको किसी भी तरह के साइंस ऑफ एजिंग को टारगेट करना है, जैसे फाइन लाइंस, रिंकल्स और आप एक जो चेहरे पे जैसे मुरझा जाता है चेहरा, उसको अगर आप थोड़ा सा ब्राइटन अप करना चाहते हैं, थोड़ा सा एक यूथफुल अपीयरेंस अचीव करना चाहते हैं, तो दिस प्रोडक्ट विल हेल्प यू विद दैट ऑल्सो। Now comes the point where I claimed that this one has an even better formula than that one. See, जब बारी आती है Cosrx की, of course even I am a fan of that, but जब बारी आती है उस product की जो कि एक gold standard है K beauty industry में, उसका price point थोड़ा सा unaffordable हो जाता है। उसमें आपको 100 ml की quantity मिलती है, जो आप 1350 rupees में वो product आता है। This one on the other hand has 80 ml of the content and that you get for 650 something rupees, जिसमें कि अगर आप discount वगैरह avail करते हैं मेरा कोड वगैरह यूज करके, तो आपको 610 के आसपास मिलता है, व्हिच इज हाफ द प्राइस ऑफ दैट वन। ऐसा नहीं है कि प्राइस ही सब कुछ होता है, अगर आप प्राइस को इग्नोर भी कर दें तो इवन फॉर्मूला वाइज दिस वन हैज मोर बेनिफिट्स टू ऑफर यू। स्नेल सिक्रीशन फिल्ट्रेट वहां भी 96% है, यहां भी 96% है, लेकिन ये एडिशनली आपको 2% पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स भी ऑफर करता है। तो जिसमें कि दो तरह के उन्होंने पेप्टाइड यूज करे हुए हैं, पहला है पामेटॉइल ट्राइपेप्टाइड 1 और दूसरा है पामेटॉइल टेट्रापेप्टाइड 7। दोनों ही बहुत सुपीरियर क्वालिटी के पेप्टाइड्स होते हैं, और पेप्टाइड्स की मैं अगर मैं बात करूं, वो ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं उसके शॉर्ट चेन्स होते हैं। बेसिकली हमारी स्किन के अंदर जो प्रोटीन होता है उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, उसके इलास्टिन फाइबर्स जो होते हैं उनको रिवाइव करने के लिए और कोलेजन के सिंथेसिस को बढ़ाने के लिए पेप्टाइड्स का यूज करा जाता है। जब पेप्टाइड्स हमारी स्किन के अंदर जाते हैं तो वो हमारी बॉडी को सिग्नल करते हैं ज्यादा कोलेजन बनाने के लिए नेचुरली, और वही काम स्नेल म्यूसिन भी करता है। तो व्हेन यू यूज अ प्रोडक्ट लाइक दिस, तो वो टू वे एक्शन करता है और दोनों ही तरीकों से आपकी स्किन की जो इलास्टिसिटी है, जो फर्मनेस है, वो टारगेट होती है। दूसरा बेनिफिट यहाँ पे ये है कि उन्होंने 2% नाइसिनमाइड कॉम्प्लेक्स भी यूज करा है, जो कि वहां पे मिसिंग है। तो कई बार हम में से कई लोग यूज करना चाहते हैं इस तरह के प्रोडक्ट, लेकिन हमारी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, इन्फ्लेम्ड रहती है, रेड रहती है, छोटी छोटी बात पे इरिटेशन हो जाता है। तो अगर आपकी स्किन भी हमेशा ऐसे इरिटेबल मोड में रहती है, तो द नाइसिनमाइड विल हेल्प काम इट डाउन एंड ऑल्सो वो आपकी पोर सिचुएशन में भी आपको हेल्प करेगी। तीसरी बात, जहां तक की पेनिट्रेशन एनहांसर्स की बात है या हाइड्रेशन बूस्टर्स की बात है, यहाँ पे मल्टीपल यूज करे हुए हैं। उन्होंने सिर्फ हाइलुरोनिक एसिड नहीं यूज किया है, उसके दूसरे डेरिवेटिव्स भी यूज करे हुए हैं, और साथ में ग्लिसरीन वगैरह है, एलेंटॉइन है, बहुत सारी अच्छी सूदिंग चीजें भी यूज करी हुई हैं। सो व्हेन यू यूज अ प्रोडक्ट लाइक दिस, आप एक अच्छा खासा एंटी एजिंग रूटीन अपने लिए बिल्डअप कर सकते हैं, जहां पे आपको पेप्टाइड्स के बेनिफिट्स भी मिलते हैं और स्नेल म्यूसिन के भी। दिस कम्स इन अ पंप स्टाइल बॉटल लाइक दिस, और इसमें से आपको एक बहुत ही ग्यूई सा ये सब्सटेंस दिखता है, जिसका बहुत स्लाइमी सा टेक्सचर है, जो कि बहुत बहुत हाइड्रेटिंग है, बहुत कूलिंग इफेक्ट देता है और बहुत जल्दी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है। आप इसको AM और PM दोनों टाइम पे लगा सकते हो। If you want to check out more details about this product, the links will be given in the description box below. Please feel free to check them out. ये product आपको मिल जाएगा Amazon, Nykaa, Purple और Flipkart पे, और अगर आप चाहें तो आप इन्हें इनकी जो exclusive website है www.thedermaco.com वहां से भी ले सकते हैं। अगर आप वहां पे अपना order place करते हैं और मेरा code use करते हैं, which is Meenakshi2024, तो आपको additional 20% off भी मिल जाएगा। और साथ ही में आप सभी ने सुना होगा इनके बहुत ही renowned young scientist initiative के बारे में, जो कि उन्होंने लिया है इन एसोसिएशन विद भूमि फाउंडेशन, जहाँ पे वो बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। ऑलरेडी इस साल वो मोर देन 15,000 स्टूडेंट्स को एजुकेट कर चुके हैं। तो अगर आप भी उस इनिशिएटिव में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ऑर्डर प्लेस करें, बिकॉज वंस यू डू दैट दे गोना लिंक योर ऑर्डर टू दैट चाइल्ड दैट दे विल हेल्प और प्लेज टू एजुकेट फर्दर। टिप नंबर 3 इज मेक डबल क्लेंजिंग अ हैबिट इन योर PM रूटीन विदाउट फेल। दिस हैज बीन अ गेम चेंजर प्रैक्टिस इन माय पर्सनल स्किन केयर जर्नी एंड आई हैव बीन बेनिफिटेड बाय दिस अ लॉट। इंस्टेंटली रिजल्ट्स नहीं देखते हैं, पेशेंस रखनी पड़ती है, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद आप नोटिस करेंगे कि स्किन की
तरह से रीसर्फिसिंग होने लगेगी. लाइक व्हाई डू यू वांट टू वेट फॉर दैट वन पर्टिकुलर डे टू रिमूव योर यू नो द डर्ट एंड कंजेशन फ्रॉम योर पोर्स. हाउ अबाउट यू डू इट एवरी डे सो दैट उतना डेड स्किन सेल्स का अक्यूमुलेशन ही नहीं हो पाए. इसके लिए बहुत सिंपल है कि अगर आपकी स्किन ड्राई कॉम्बिनेशन है या नॉर्मल है तो आप क्रीमी क्लेंजर्स यूज कर सकते हैं. अगर आपकी स्किन ऑयली और एक्ने प्रोन है तो आप जेल बेस्ड क्लेंजर्स यूज कर सकते हैं. ऑयली स्किन वालों के लिए मैं कहूंगी अगर आपकी स्किन पे बहुत पिंपल्स होते हैं और आप कोई क्लेंजिंग बाम्स या ऑयल्स यूज नहीं भी करना चाहते तो बायोडर्मा का सेंसी बायो बहुत अच्छा है, आप ये यूज कर सकते हैं. तीसरा, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव है तो आप यूज कर सकते हैं एपिसॉफ्ट का क्लेंजिंग जेल जो कि बहुत ज्यादा जेंटल है. टिप नंबर 4 इज द इंक्लूजन ऑफ एक्टिव्स टू अपग्रेड दिस सिचुएशन. सबसे पहले आपको क्या करना है, शुरुआत में आपको एक बेसिक रूटीन रखना है. जस्ट कीप इट वेरी सिंपल, नो एक्टिव्स इन्वॉल्व. यहाँ पे आप CMS फॉलो करें. आपने CTM के बारे में सुना होगा लेकिन मैं ज्यादा एडवोकेट करती हूँ CMS क्योंकि मेरे ख्याल से टोनिंग उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं होता है. क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सनस्क्रीन, ये सबसे ज्यादा क्रूशियल है. तो सबसे पहले हैव अ बेसिक रूटीन इन प्लेस. उसके बाद जब आपको लगने लगे आप एक्टिव्स इंक्लूड करना चाहते हैं तो लेवल 1 आपके लिए अपग्रेड करने का होगा टू गो टू द एसिड्स जो उतनी ज्यादा ट्रिगरिंग नहीं होती, जिनको स्किन इजीली एक्सेप्ट कर लेती है, जैसे कि नाइसिनमाइड और एजिलैक एसिड. ये हर तरह की स्किन टाइप्स को इनकी सूटेबिलिटी होती है और इनके साथ पर्जिंग के चांसेस भी नहीं होते. तो द फर्स्ट लेवल ऑफ अपग्रेड फॉर यू वुड बी टू इंक्लूड नाइसिनमाइड और एजिलैक एसिड. सेकेंड लेवल ऑफ अपग्रेड होगा जब आपकी स्किन इससे भी यूज टू हो जाएगी और आप सेकेंड लेवल पे अपग्रेड करना चाहते हैं. देन बाय द थर्ड और द फोर्थ वीक यू स्टार्ट यूजिंग रेटिनॉइड्स. रेटिनॉइड्स आप हफ्ते में 2 बार यूज करना स्टार्ट करें. इसमें आपको सबसे ज्यादा पेशेंस रखनी पड़ेगी. इसका असर आपको 1 या 2 महीने में भी नहीं दिखाई देगा. आपको एटलीस्ट 3 महीने लग जाएंगे इसके साथ रिजल्ट्स देखने में. बट आई प्रॉमिस यू वंस यू गेट इनटू द हैबिट ऑफ बीइंग रेगुलर विद योर रेटिनॉइड्स यूजिंग देम ट्वाइस अ वीक एंड यू ऑब्जर्व योर स्किन ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 months यू विल गेट एडिक्टेड टू यूजिंग इट. Now comes the fifth and the last tips, which is the don'ts. अभी तक मैंने आपको बताया the do's, यानी ये करो ये करो ये करना चाहिए. अब मैं आपको बताती हूँ क्या आपको नहीं करना चाहिए जिससे आपकी टेक्सचर की सिचुएशन और खराब हो सकती है. सबसे पहली चीज, कोई भी पील ऑफ मास्क यूज करते हैं बंद कर दीजिए. दूसरी चीज, कोई भी अगर आप नो स्ट्रिप्स यूज करते हैं तो इमीडिएट बंद कर दीजिए. जब हम कोई नो स्ट्रिप 10 मिनट के लिए रखते हैं उसको फिर निकालते हैं और हमें बहुत सारे ब्लैक हेड्स दिखाई देते हैं तो नो डाउट वो काफी सेटिस्फाइंग लगता है बट वो बहुत टेम्प्ररी है. जब जब आप ये कर रहे हैं आप अपने पोर्स का साइज और ज्यादा डायलेट कर रहे हैं और वो फ्यूचर के लिए और एनलार्ज होते हैं जिससे पोल्यूटेंट्स और इरिटेंट्स उनमें और जल्दी और ज्यादा फास्ट रेट पे फ्यूचर में एक्यूमुलेट होते रहेंगे. तो इसलिए नोज पोर स्ट्रिप्स जो होती हैं उनको यूज करना बंद कर दें. और तीसरा, ओवर एक्सफोलिएशन ना करें. जैसे कि मैंने आपको पहले पॉइंट में कहा था हफ्ते में सिर्फ 1 बार 10 मिनट के लिए ही करना है, उससे ज्यादा ग्रीडी हमें नहीं होना. जब आप ओवर एक्सफोलिएट करते हैं तो आप एक्चुअली टेक्सचर को इनडायरेक्टली बढ़ाते हैं क्योंकि जितनी ज्यादा ड्राइनेस होगी उतना ज्यादा टेक्सचर बढ़ेगा. सो डोंट डू दैट. Alright you guys, so these were my top 5 tips that I'm very confident will help you to improve your texture situation. Do try these out and let me know in the comments if they worked for you. Ya fir aap alternatively kya karte hain apne texture ko remove karne ke liye. I would love to read that. That's it for today's video guys. I'm gonna see you very soon in my next one. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.